हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या हुई है 854 और 377 फिलहाल एक्टिव मामले हैं। प्रदेश भर से इलाज के बाद 484 मरीज अपनी इच्छा शक्ति आत्मशक्ति के जरिए ठीक भी हुए हैं। और आपको बता दें कि कोरोना से प्रदेश भर में 13 लोगों की मौत भी हुई है और कोरोना से 5 लोगों की मौत की खबर फरीदाबाद से है। इसके साथ गुरुग्राम से कोरोना के सबसे ज्यादा 112 एक्टिव मामले सामने आए हैं। और आपको झज्जर से आंकड़ों का जिक्र करें तो बताएं कि झज्जर से 63 आंकड़े सामने आए हैं, सोनीपत से 62 और फरीदाबाद से 60 एक्टिव केस सामने आए हैं। करनाल से 11, जींद से 10 और पानीपत से 9 मामले सामने आए हैं। पंचकूला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद से भी छह मामले सामने आए हैं। तो चलिए प्रदेश की स्थिति का जायजा लेने के लिए रुख कर लेते हैं सबसे पहले जिला हिसार की ओर, जहां के उकलाना से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप से भी हम जिक्र करेंगे कि वहां पर भी लॉकडाउन का किस तरीके से पालन हो रहा है, किस तरीके से वहां के आमजन लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। अनूप, जरा आप भी बताएं कि किस तरह से यहां पर लॉकडाउन के नियमों का पालन हो रहा है, जनता कितनी सतर्क कितनी सावधान नजर आ रही है। देखिए सोनिया जी, जिस प्रकार से लॉकडाउन का तीसरा चरण समाप्त होने को है, ठीक उस चरण के दौरान ज्यादा हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ है। जिस प्रकार से छूट दी गई थी, छूट के अनुसार लोगों ने इसका बहुत नाजायज फायदा उठाया है। बाजार खुलने के बाद हर कोई बाजार में देखने को मिला है, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली है। और सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात कर ले तो कहीं भी सोशल डिस्टेंस का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। अधिकतर लोग ऐसे भी हैं जो बगैर मास्क के या कपड़ा रुमाल लिए हुए बाजारों में घूम रहे हैं। अनूप, अगर जिक्र करें किसानों की स्थिति का, यहाँ पर क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि देखिए गेहूं की फसल की कटाई हो चुकी है और किसान फिलहाल सोच रहे हैं कि वो खेतों में कौन सी फसल लगाए, किस तरह से लगाए जिससे उनको आसानी भी हो। सोनिया जी, गेहूं की फसल तो लगभग समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जो थोड़ी बहुत अगर किसानों की बिक्री के अंदर है तो वो मंडियों में पड़ी है, अगर उनको किसी दिक्कत के कारण वहां पर रखना पड़ा है तो। लेकिन अगर हम खरीफ की फसल की बात करें तो अभी जिस प्रकार से नरमा की बिजाई चली हुई है, पिछले इस सप्ताह के अंदर 2 बार जिस प्रकार से बारिश आई उसमें किसानों को भारी नुकसान हुआ है। और हरियाणा का बहुत सारा क्षेत्र ऐसा भी है जो उकलाना के लगता हुआ क्षेत्र भुन्ना और रतिया है, वहां पर धान की फसल की बिजाई पर भी रोक लग चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने मेरा पानी मेरा विरासत योजना जो चलाई थी उसमें किसानों को काफी नुकसान हुआ जो धान की फसल उगाते थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनु मुखातिब कराने के लिए आपके क्षेत्र की स्थिति से। तो अब हम आपको लिए चलते हैं सिरसा की ओर, जहां से हमारे संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आप भी बताएं सिरसा में लॉकडाउन की क्या तस्वीर नजर आ रही है, क्या लॉकडाउन का जनता पालन करते हुए नजर आ रही है? जी, अगर सिरसा की बात करें तो सिरसा प्रशासन ने लॉकडाउन को सही ढंग से लागू करवाने के लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं की थी। इनमें बाजारों की एकल जो बाजार व्यवस्था की थी, जिसमें लेफ्ट राइट बाजार की व्यवस्था थी, लेफ्ट साइड 3 दिन खुलेंगी, उसके बाद 3 दिन राइट साइड खुलेंगी, तो इस तरह से व्यवस्था थी। और संडे को पूरा बाजार जो है वो बंद रहेगा, तो ऐसे में लॉकडाउन की अनुपालना करने के लिए। और दूसरी ओर ट्रैफिक पुलिस है वो भी पूरी तरह से अलर्ट यहां दिखाई देती है, क्योंकि चौक चौराहों पर पुलिस का कड़ा पहरा है और करीब 2 करोड़ रुपए का जो चालान की रकम जो है लोगों की जो अनुपालना के चक्कर में ही इकट्ठी जो है पुलिस ने करी है, 2 करोड़ रुपए के जो चालान है वो पुलिस ने काटे हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ी बात है कि अनुपालना करने के लिए पुख्ता जो कार्रवाई पुलिस की ओर से भी की गई है। जी सोनिया, जिस तरह से लगातार प्रदेश भर से आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे, चिंता की स्थिति बनी हुई है देश में भी प्रदेश में भी, तो सिरसा में जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं उनको देखते हुए क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? जी बिल्कुल सोनिया, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां प्रदेश में आंकड़े बढ़ रहे हैं, वहीं सिरसा की बात करें तो सिरसा के लिए राहत की बात यह है कि सिरसा में कुल अगर बात करूं मामलों की तो 7 मामले जो है वो सामने आए थे। इनमें से 6 लोग थे जो बाहर से आए थे और उनमें से जो 7 में से 6 मरीज अब ठीक हो चुके हैं। केवल 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज है जो कम्युनिटी जो इन्फेक्शन के मामले में सामने आया था,
उसको उसका उपचार जो है वो नागरिक अस्पताल के कोविड वार्ड में चल रहा है। कल ही जो नांदेड़ से दो श्रद्धालु आए थे उनको भी अस्पताल प्रशासन ने विदा किया और तालियां बजाकर उनको विदा किया। तो ऐसे में सिरसा के लिए राहत की बात है कि यहाँ केवल एक कोरोना पॉजिटिव मरीज है जिसका उपचार चल रहा है, उसकी दूसरी रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। प्रशासन पूरी तरह से यहाँ अलर्ट दिखाई देता है। जी सोनिया, अमिता, लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में नई फसल बोई जा रही है, सिरसा में किसानों की क्या स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि देखिए, सरकार की ओर से कहा गया है कि जो डार्क जोन है जहां पर पानी की कमी है वहां पर धान की फसल की बुआई किसान नहीं कर पाएंगे, तो यहां पर क्या स्थिति नजर आ रही है? जी बिल्कुल, सिरसा भी जो है वो डार्क जोन का ही एक हिस्सा है और यहाँ भी काफी लोगों ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि इसमें कुछ किसानों की अपनी राय है, लेकिन काफी किसानों की हमने रिपोर्ट हरियाणा न्यूज पर प्रसारित भी की है। काफी जो किसानों ने अपना रुझान इस योजना में दिखाया है और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान इतना जरूर कहते हैं कि अगर सरकार यह योजना करीब 20 दिन पहले या एक महीना पहले लाती तो इसके ज्यादा सकारात्मक परिणाम आते। अभी किसान अपना मन बना चुका है तो ऐसे में उस का मन टूटना और उसने अपनी तैयारी करी थी उस तैयारी के लिए उसको काफी कुछ सोचना पड़ेगा, तो ऐसे और ज्यादा सकारात्मक परिणाम आते अगर सरकार मेरा पानी मेरी विरासत वाली योजना जो है वो करीब एक महीने पहले लाती। और अब भी जो है इस योजना में काफी लोग जुड़ रहे हैं और प्रशासन जो शासन की ओर से जो योजना के लिए रकम दी गई है उसको लेने के लिए भी उत्साहित काफी किसान नजर आते हैं, लेकिन काफी ऐसे भी किसान हैं जो इस योजना से सहमत नहीं दिखाई देते। जी योजना, बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए, मुखातिब कराने के लिए आपके क्षेत्र की स्थिति से। तो लगातार हम हमारे संवाददाताओं को जोड़ रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और आप लोगों को तमाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लगातार हम हमारे संवाददाताओं से प्रदेश के अलग अलग जिलों की स्थिति जान रहे हैं और अब आपको लिए चलते हैं फतेहाबाद की ओर, जहां से हमारे संवाददाता अजय मेहता हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, आप भी मुखातिब करें, फतेहाबाद में लॉकडाउन की स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है, लॉकडाउन कितना सफल माना जाए यहां पर? सुनिए, देखिए, अगर हम फतेहाबाद के अंदर लॉकडाउन 3.0 की बात करते हैं तो ये इसके वनस्पत जो है ना, दो लॉकडाउन जो पहले हुए थे वो असरदार थे। इसके अंदर जो तमाम जो पुलिस ऑफिशियल्स थे और जितने सुरक्षाकर्मी थे ये फील्ड के अंदर रहते थे और तो सभी को कोरोना से बचाव के लिए घरों के अंदर रहना, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना जैसी लोगों को ताकीद किया करते थे। लेकिन 3.0 में जैसे राहत मिली है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सुरक्षाकर्मी अब नहीं नजर आ रहे हैं कहीं भी। सोनिया, आज अगर मार्केट्स का जिक्र करें, क्या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए किसी तरह के किसी अनुशासन की पालना नहीं की जा रही है? क्या यहां पर भी ओडीवन का सिस्टम नहीं है? देखिए, यहाँ सुनिए, पॉडीवन का सिस्टम नहीं बनाया है, लेकिन इतना है कि जितने मार्केट है उसको कैटेगराइज किया गया है। अगर एक दिन रेडीमेड शॉप्स खुलती हैं तो दूसरे दिन फुटवेयर की शॉप्स खुलती हैं, तो इस तरह के ना कैटेगराइज करके मेंटेन करने का प्रयास तो किया गया है, लेकिन लोग जो है बेवजह जो है सड़कों पर उतर रहे हैं और बड़ी संख्या के अंदर दुकानों के अंदर एक साथ घूम रहे हैं, दुकानों में जा रहे हैं और सामान लेने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मुद्दे जो हैं वहाँ धाराशाही होते नजर आते हैं। अच्छा, जिस तरह से प्रदेश में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे, चिंता की स्थिति है, फतेहाबाद में संक्रमित लोगों के कितने आंकड़े अभी तक सामने आए हैं और किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर विभाग की ओर से बताई जा रही है? सुनिए, देखिए, फतेहाबाद की अगर बात करते हैं, फतेहाबाद के अंदर पिछले 40-45 दिन लॉकडाउन शुरू हुआ है तो उन पूरे 45 दिन 50 दिन के अंदर लगभग 7 जो है मामले पॉजिटिव नजर आए थे, जिसमें से एक व्यक्ति जो है लगभग 35-40 दिन पहले जो है डिस्चार्ज हो चुका था। अब 6 आदमी हैं जिनमें से 5 वो लोग हैं जो महाराष्ट्र के नांदेड़ साहब से लौटे थे, जबकि एक छात्रा है दिल्ली से सीए की पढ़ाई कर रही थी वो लौटी थी। ये पॉजिटिव केस हैं, अग्रवा मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और अब दोबारा जो है सेकंड फेज की जो उनकी टेस्टिंग की गई है उसकी रिपोर्ट आज शाम तक आनी है। अगर वो नेगेटिव मिलते हैं तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सोनिया, बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं बल्लभगढ़ की ओर, जहां से हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र से भी हम पूछेंगे कि वहां पर लॉकडाउन कितना सफल माना जा रहा है, क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है। राजेंद्र, आप भी बताएं लॉकडाउन की क्या तस्वीर यहां देखने को मिल रही है।
सोनिया बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां कंटेनमेंट जोन एरिया जो बनाए गए हैं उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। तमाम लोग जो गलियों में देखे जा सकते हैं, सड़कों पर देखे जा सकते हैं और दुकानों पर भी पूरी भीड़ आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार पूरे फरीदाबाद में संक्रमण के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और करीब 140 के करीबन मामले यहाँ पर पहुंच चुके हैं और 5 लोगों की यहाँ पर मौत भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए भी तैयार दिखाई नहीं दे रहे। जी राजेंद्र, जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं या प्रशासन की जो मुस्तैदी है वो वाकई ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता फिलहाल देखी जा रही है, क्योंकि देखिए आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो प्रशासन कितना मुस्तैद, कितना सतर्क, कितना सावधान नजर आ रहा है? स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे हैं सोनिया, तो लगातार उनकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं और 2 मंडियों को यहां पर बंद भी कर दिया गया है, क्योंकि मंडियों से जो जुड़े हुए मामले थे वो ज्यादा आ रहे थे, उसी को लेकर प्रशासन ने फैसला लिया और कल से उन मंडियों को बंद कर दिया गया है। हालांकि बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी अभी भी खुली हुई है जहां पर सब्जी का काम किया जा रहा है। और इसके अलावा बात करें तो तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं और एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो मानने के लिए तैयार यहां पर नहीं दिखाई देते हैं। तमाम इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं और पहले की तरह, आम दिनों की तरह लोग सड़कों पर देखे जा सकते हैं। राजेंद्र, किसानों की स्थिति का भी जिक्र मैं करना चाहूंगी, किसानों की क्या स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि देखिए गेहूं की फसल की कटाई प्रदेश भर में हो चुकी है, नई फसल क्या बोई जाए इसको लेकर किसान असमंजस में भी हैं, कई जगह पर पानी की कमी भी है, जिसको लेकर सरकार की ओर से कहा गया है कि डार्क जोन्स में धान ना बोए जाए, तो यहाँ पर किसान क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? देखिए सोनिया, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो गेहूं की फसल थी, जो रबी की फसल थी, उसके लिए सरकार ने ऐलान किया था कि उनको बोनस दिया जाएगा, जो पहले चरण में लाएंगे उनको कम बोनस दिया जाएगा और जो दूसरे चरण में अपने गेहूं को मंडी तक लेकर आएंगे उनको ज्यादा बोनस दिया जाएगा। तो लोगों ने जो गेहूं की फसल थी वो अपने घरों में भर ली ताकि मंडियों में भीड़ ना लगे और वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपने मंडियों में बाद में अनाज को पहुंचा दें, लेकिन अभी तक भी सरकार ने इस बात को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है कि वो अपने अनाज को अब लेकर आए या नहीं लेकर आए। और रही बात बुआई की, तो लगातार जो किसान परेशान नजर आता है क्योंकि तमाम यहां पर ओले और आंधियों का भी और बारिश के कारण पहले तो गेहूं की फसल उठाने में दिक्कत हुई और अब बुआई का भी यही हाल है, लगातार लोग अपने खेतों में परेवट जिसको बोलते हैं पानी लगाकर कर रहे हैं और जुताई यहां पर चल रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने किस तरह से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि प्रदेश में स्थिति अब भी गंभीर मानी जाए क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच आपका जरूरी हो जाता है कि आप तमाम नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर बार बार इस्तेमाल करें। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।